अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आई वांट टू से वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अनदर लेक्चर ऑफ गौहर साइंस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर गौहर साइंस बुक वन यूनिट टू फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स का लेक्चर नंबर टू है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी सी रिवीजन कर लें लेक्चर वन के, यूनिट टू के लेक्चर वन के। तो स्टूडेंट्स, यूनिट टू के लेक्चर वन में हमने कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने किस किस का फंक्शन पढ़ा था याद है आपको बच्चों? हमने पढ़ा था आर्म, हैंड्स, टीथ और लेग्स के फंक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आर्म और हैंड्स के फंक्शंस क्या थे? राइटिंग, पुलिंग, पुशिंग एटसेट्रा। और टीथ का क्या फंक्शन था? च्यू एंड बाइट फूड। और लेग्स का क्या फंक्शन था? वॉकिंग, रनिंग एंड साइकिलिंग। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर फाइव सेंसेस और फाइव सेंस बॉडी पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं रीडिंग से। तो जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 8 ओपन करें। तो बच्चों, हमारे सामने पेज नंबर 8 है, हम रीडिंग करेंगे। देन सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वी हैव फाइव सेंसेस। नंबर 1 साइट, वी सी विद आवर आईज। नंबर 2 हियरिंग, वी हियर विद आवर ईयर्स। नंबर 3 स्मेल, वी स्मेल विद आवर नोज। नंबर 4 टेस्ट, वी टेस्ट विद आवर टंग। नंबर 5 टच, वी फील विद टच। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे हम। स्टूडेंट्स, हमारे माहौल को अगर हमें ऑब्जर्व करना है, समझना है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो अल्लाह ताला ने इस माहौल को समझने के लिए हमें कुछ सलाहियतें दी हैं कि हम जिससे जिनकी मदद से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें फाइव सेंसेस दी हैं जिनसे हम माहौल को अच्छे से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई कार हमारी तरफ आ रही हो तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा उस कार को देख के या उस कार की आवाज़ सुन के। तो बच्चों, देखना और सुनना ये सेंसेस हैं जिसे हमें अपने माहौल के बारे में पता चला। और हम देखते कैसे हैं, उसके लिए जो सेंस पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वो क्या है? आंखें। आंखों की मदद से हम देखते हैं। और सुनना, जो कि अगेन एक सेंस है, तो ये इसके लिए हम कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हैं? अपने कान। तो इस तरह स्टूडेंट्स, किसी हमारे गिर्द अगर फूल हैं तो उनकी खुशबू आ रही होती है, तो वो भी हमें कैसे पता चलता है? उसके लिए भी एक सेंस है। वो सेंस क्या है? स्मेल। ठीक है, तो स्मेल हम, उसके लिए हमारा बॉडी पार्ट कौन सा जो हम यूज करते हैं स्मेल के लिए? वो है नाक। हम नाक की मदद से चीज़ों को सूंघते हैं और हमें पता चलता है कि खुशबू है या बदबू है, किसी की स्मेल अच्छी है या बुरी है, तो हमें नाक के जरिए पता चलता है। इस तरह स्टूडेंट्स, खाना जो हम खाते हैं वो कितना टेस्टी है, उसमें नमक है या उसमें हम शुगर है, तो कैसा, कितना टेस्टी है, वो हमें पता चल जाता है। अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत दी है कि हमें पता चल जाता है। और उसके लिए जो बॉडी पार्ट हम यूज़ करते हैं वो है हमारी ज़ुबान। और इसी तरह स्टूडेंट्स, हम ग्लास पकड़ते हैं, उसमें पानी होता है, वो गर्म है, ठंडा है, तो ये भी अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी है कि हमें पता चल जाता है, हम उसको सेंस कर लेते हैं। तो ये कौन से सेंस है? टच करने की सेंस। कोई कांटा चुभता है हमें पता चल जाता है, पेन होती है, तो ये क्या है? टच करने की सेंस है। ठीक है, तो टच करने की जो बच्चों सेंस है, इसका जो कैसे हमें पता चलता है, हमारी पूरी स्किन, हमारी जो स्किन है इसकी मदद से हमें ये पता चलता है। ठीक है बच्चों, तो फिर से रिपीट करेंगे। फाइव सेंसेस हैं, साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। और इसी तरह फाइव जो हमारे सेंस बॉडी पार्ट्स हैं वो
वो कौन कौन से हैं? फॉर साइट हमारे पास आईज हैं, हेयरिंग के लिए ईयर्स हैं, स्मेल के लिए नोज है, टेस्ट के लिए टंग है, और टच, ये फिफ्थ सेंस है, ये पूरी स्किन, पूरी जो हमारी जिल्द है, हमारी जो स्किन है उसकी मदद से हम ये सेंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में 4 असाइनमेंट्स हैं एंड यू कैन टेक मोर देन 1 डे टू कंप्लीट दीज असाइनमेंट्स। आप चाहें तो 2 दिन में भी इन असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट असाइनमेंट है, इसमें 2 एमसीक्यू हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज हिना सॉ एन एरोप्लेन एंड शी यूज्ड हर। हिना ने एरोप्लेन को देखा और उसने अपने किस बॉडी पार्ट का इस्तेमाल किया? फर्स्ट ऑप्शन इज नोज यानी नाक, सेकंड ऑप्शन इज आईज यानी आंखें, एंड थर्ड इज ईयर यानी कान। तो क्या राइट आंसर है स्टूडेंट्स? आंसर इज आईज। व्हाट सेंस ऑफ आवर बॉडी टेल्स अस दैट द आयरन इज हॉट? कि हमारा कौन सा बॉडी पार्ट हमें बताता है कि जो आयरन है वो गर्म है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट स्मेल, सेकंड ऑप्शन इज टच, एंड थर्ड ऑप्शन इज टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि पढ़ा कि कोई चीज गर्म है ठंडी है, हमें कैसे पता चलता है? ये हमारी टच की सेंस से पता चलता है। तो इसके आंसर्स भी दिए गए हैं, आप यहां से भी हेल्प ले सकते हैं। सो सेकंड असाइनमेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी सेंसेस डू वी हैव, नेम देम। कि हमारी कितनी सेंसेस हैं और उनके नाम बताएं। एंड हाउ मेनी थिंग्स कैन वी सी इन आवर क्लासरूम, मेक अ लिस्ट ऑफ सच 10 थिंग्स। कि हमारे क्लासरूम में कितनी चीजें हैं, उनमें से 10 चीजों की लिस्ट बनाएं। स्टूडेंट्स, आपने कॉपी पे इन दोनों के आंसर लिखने हैं, तो आप खुद से भी लिखें, लिखने की कोशिश करें, और इसके आंसर भी दिया गया है, आप यहां से भी कॉपी कर सकते। Assignment number 3, match the following. So column matching students आपके सामने, एक तरफ body part दिया गया है और दूसरी side पर उसका function. तो आपको match करना है, like there is nose, legs, ear, tongue and hand. तो दूसरी side पर क्या है? Writing, walking, smelling, tasting, hearing. तो student, nose का function क्या है? कि वो smell करता है, तो smelling. लेग्स का फंक्शन क्या है? आपको लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था, क्या है जी लेग्स का फंक्शन? वॉकिंग। ईयर का क्या फंक्शन है? हेयरिंग। टंग का क्या फंक्शन है? टेस्टिंग, वेरी वेल। हैंड का क्या फंक्शन है? हरी अप, राइटिंग, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो स्टूडेंट, ये सॉल्व एक्टिविटी भी दी गई है, तो आप यहां से देख के भी इसको कॉपी कर सकते। नेक्स्ट असाइनमेंट 4 है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल वेरी इजी असाइनमेंट, साइंस फन है इस असाइनमेंट का नाम। ड्राई योर आई एंड ईयर एंड ऑल्सो राइट 1 सेंटेंस विद ईच पिक्चर। स्टूडेंट्स, आपने आंख और कान का स्केच बनाना है और आपने उसके लिए एक एक जुमला भी लिखना है। आप खुद से भी लिख सकते हैं, किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, और यहाँ भी आपके पास सोल्यूशन मौजूद है, आप यहां से भी कॉपी कर सकते हैं। तो फिर से स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर था, ये 5 सेंसेस और 5 बॉडी पार्ट्स के बारे में था जो सेंस करने में हेल्प करते हैं। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, आपने एंजॉय भी किया होगा। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो चुका है। ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।